हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गन्ने की मूल्य वृद्धि को लेकर बुलंदशहर खुर्जा तहसील क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खुर्जा जेवर मार्ग जाम कर दिया, जबकि इस दौरान भाकियों ने सड़क पर गन्ने का दहन भी किया। भाकियों के मंडल युवा अध्यक्ष चौधरी अरब सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खुर्जा जेवर मार्ग को जाम करते हुए जमकर नारेबाजी की। देर तक चले इस प्रदर्शन की वजह से यातायात भी काफी प्रभावित हुआ, जिसमें एक एम्बुलेंस भी फंसी रही। हमारे संवाददाता हामिद सैफी ने मौके पर पहुंचकर किसानों से खास बातचीत की। क्या कहना है किसानों का और क्या उनकी मांग है योगी सरकार से, सुनिए उनकी जुबानी। अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते आज धरना प्रदर्शन किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, अरब सिंह, इनसे बात करते हैं क्या इनकी मांगे हैं जो इन्होंने आज SDM को सौंपी है ज्ञापन के तौर पर। क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम चौधरी अरब सिंह है। ये संपूर्ण प्रदेश में आज तहसील स्तर पर धरना दिया गया है, हर जगह हाईवे जाम किए गए हैं। ये जो गन्ने का मूल्य 3 साल से नहीं बढ़ा है, उसको लेके आज हमारा ये प्रदर्शन था। हमने जो मांग करी है 450 रुपये क्विंटल की मांग करी है, गन्ने का बढ़ना चाहिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण मांग ये है कि जो किसान अपने गन्ना काट रहे हैं और जिसकी पत्ती होती है जलाते हैं, तो संपूर्ण प्रदेश में किसानों पर FIR कराई जा रही है। हमने ज्ञापन के माध्यम से ये चेतावनी दी है, अगर बिना सूचना के किसान पर FIR की गई तो जिला अधिकारी के यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। भाकियों के युवा मंडल अध्यक्ष ने बताया कि भाकियों किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन प्रदेश भर में किया जा रहा है। फिलहाल किसानों ने SDM खुर्जा को CM के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शन समाप्त कर दिया, लेकिन भाकियों ने योगी सरकार की मांगे पूरी ना किए जाने पर 21 दिसंबर को प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन के इनका प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश में था, उसी क्रम में आज बुलंदशहर में भी विभिन्न तहसीलों के मुख्यालयों पर और कस्बों में इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन इनका संबंधित को आज ही प्रेषित कर दिया जा रहा है। जहां तक बकाया भुगतान की है, इसमें जिलाधिकारी महोदय ने काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी कुछ हो गया भुगतान, और संबंधित मिलों से कंटिन्यू जिलाधिकारी महोदय ने बैठक करके और ये किया है कि जल्द से जल्द भुगतान भी हो जाए। और मूल्य वृद्धि का जहाँ तक सर, वो जिला स्तर से संभव रही है और इस पर उचित निर्णय शासन होगा, तो शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनका जो ज्ञापन संबोधित है माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो प्रेषित किया जा रहा है। साफ तौर पर कहना है कि योगी सरकार को गन्ने के मूल्य में वृद्धि करनी होगी। इसके अलावा इनकी और समस्याएं हैं, जैसे आवारा पशुओं की समस्या जो इनकी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा इन्होंने SDM को ज्ञापन सौंपा है योगी सरकार के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार भारतीय किसान यूनियन के लिए और किसानों के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।